वेलकम टू दिस वीडियो। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सो, कईयों को शायद ये क्वेश्चन आता होगा मन में कि हम जो प्लेक्ट्रम यूज़ करते हैं, क्या उस प्लेक्ट्रम से साउंड डिफरेंट होता है? डेफिनेटली जो भी आप प्लेक्ट्रम यूज़ करते हैं उसकी बिल्ड क्वालिटी से, मतलब प्लेक्ट्रम जिस मटेरियल से बनी हुई है और उसकी थिकनेस और उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है, उसके ऊपर भी आपकी गिटार की जो साउंड है वो बहुत बहुत डिपेंड करती है। डेफिनेटली उसके बाद आपका जो प्लेइंग स्टाइल है वो भी इम्पैक्ट करता है आपके गिटार के टोन को निकालने में। जो भी आप टोन चाहते हो, जैसा भी चाहते हो, उस टोन पर भी इम्पैक्ट आती है। तो कैसे आती हैं? सबसे पहली बात, जो प्लेक्ट्रम हम लोगों को मिलती है पहली, जो गिटार स्टोर्स वगैरह में आप गिटार खरीदते हो उसके साथ आपको जो फ्री प्लेक्ट्रम्स मिलती होगी, तो बहुत सा मैक्सिमम टाइम आपको पतली प्लेक्ट्रम्स मिलेगी। जैसे ये है 60 mm की, ठीक है, 60 mm की जो प्लेक्ट्रम है, ये देखिए कितनी पतली है, ओके। और मोटी प्लेक्ट्रम जो होती है वो ऐसी होती है, ओके, ये 1.2 mm की, इसकी देखिए फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ही कम है। तो डेफिनेटली इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है और हम इसे डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए आज मैंने सोचा है कि एक पर्टिकुलर कॉर्ड बजाऊंगा और एक लीड ही बजाऊंगा साथ में, और सारे जितने मेरे पास प्लेक्ट्रम है सारे प्लेक्ट्रम्स को मैं सेम चीज़ बजाकर आपको सुनाऊंगा, ताकि आपको डिफरेंट प्लेक्ट्रम्स का जो साउंड है वो समझ में आ जाए, ओके। तो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो का 100% बेनिफिट लेने के लिए आप वीडियो को हेडफोन्स पर सुनो, ओके, वीडियो को देखो और सुनो हेडफोन्स पर, ताकि आपको 100% टोनल क्वालिटी जो है प्लेक्ट्रम की पता चल जाए। तो ये मैं स्टार्ट करने वाला हूँ 60 mm प्लेक्ट्रम से, जो हमें जाहिर से ही बात है, मैं मैक्स पहले जो बेसिक लेवल पर गिटारिस्ट होते हैं उनसे यही प्लेक्ट्रम मिलती है, मुझे भी यही मिली थी। तो चलिए मैं एक बेसिक कॉर्ड सी बजाऊंगा, ओके, और स्ट्रम भी करके दिखाऊंगा कि उसमें क्या होती है। अब मैं 70 mm प्लेक्ट्रम यूज करूंगा, ओके, अब मैं 71 mm प्लेक्ट्रम यूज करूंगा, अब मैं 80 mm प्लेक्ट्रम यूज कर रहा हूं, अब मैं 96 mm प्लेक्ट्रम, हाँ 96 mm की प्लेक्ट्रम है उसे यूज कर रहा हूँ, एलिस की है। अब है ये 1.2 mm, ओके, 1.2 mm से पहले मैं 1 mm की एक प्लेक्ट्रम है वो दिखा देता हूँ, ओके। दीज आर 1 mm प्लेक्ट्रम, ये एंड्रिटन की प्लेक्ट्रम है, इसकी स्टोरी मैं कभी सुनाऊंगा डेफिनेटली आपको। ये भी 1 mm प्लेक्ट्रम है, ओलिजर की नायलन प्लेक्ट्रम्स, इसके ऊपर थोड़ा ग्रिड बना हुआ है, ओके, ये ग्रिप है। अब मैं ये एलिस की 1.2 mm प्लेक्ट्रम जो है उसे यूज करूंगा, अब मैं यूज करूंगा एलिस की एक इंडेंशन वाली पिक जो 2 mm की है, ओके। अब मैं यूज कर रहा हूँ जिम डब्लॉक की USA मेड जैज 3,
ये ऑलिजर की जैज 3, इसे भी यूज कर लेते हैं। ये प्लेक्ट्रम 3 mm की है, मैंने इसे बहुत कम ही यूज़ किया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, ये एलिस की ही है, 3 mm प्लेक्ट्रम इंडेंशन वाली, स्टैबी पिक बोलते हैं शायद लोग इसे। और ये मेरे पास सबसे मोटी प्लेक्ट्रम जो है, ये भी एलिस की ही है और ये 3 mm भी है, लेकिन इसका जो ये शायद जिसकी फिंगर्स बड़ी है उसके लिए ये बहुत हेल्पफुल है, जो इस टाइप के प्लेक्ट्रम्स को यूज़ करते हैं। साउंड सुन लीजिएगा। तो ये सारे प्लेक्ट्रम्स मेरे पास जो भी थी मैंने आपको दिखा दिया, साउंड्स भी प्ले कर दिया। एक बात मुझे जो समझ में आ रही है कि जब मैं पतली प्लेक्ट्रम्स यूज़ करता हूँ तो वो जो हैंड मोशन है उसे मैं बहुत अगर ज़ोर से भी स्ट्रम करूं तो इट साउंड्स ओके, ठीक है, मतलब वो और रिजिडिटी भी नहीं होती, क्योंकि ये स्पेक्ट्रम जो है ना, यहाँ जब स्ट्रिंग्स को ये छूती है तो ये ऐसे ऐसे मुड़ जाती है, लेकिन जो आपकी जो ये रिजिड स्पेक्ट्रम्स है इसका तो ये ऐसा हो नहीं सकता, दिस इज़ वेरी रिजिड एंड मतलब देख रही हो। तो इसका जब मैंने स्ट्रम करना सेम इंटेंसिटी से स्ट्रम किया मैंने, तो मुझे ना एक अजीब सी मतलब रिजिडिटी फील हुई और उस तरीके का जो मैं फील चाहता हूँ एक्वास्टिक पर वो नहीं मुझे मिली, ओके okay? और इसके और उस टाइप की टोन मुझे एक्सपेक्ट करने के लिए या डिज़ायर जो भी टोन था मेरा वो ऑप्टेन करने के लिए मैंने अपना जो है ना इंटेंसिटी ऑफ प्लेइंग उसमें चेंज लाया। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, जब आप रिजिड प्लेक्ट्रम्स की ओर जाते हो या मोटे प्लेक्ट्रम्स की ओर जाते हो तो आप जो है ना स्ट्रमिंग जो है ना वो लाइट स्ट्रमिंग करिए, ओके। हैवी स्ट्रम कीजिएगा तो आपका डेफिनेटली स्ट्रिंग्स तो जाएंगे ही ख़राब होकर, और उसके बाद ये जो है ना साउंड भी बहुत अजीब टाइप का। अब देख लीजिए, मैं रिजिड प्लेक्ट्रम्स को सेम इंटेंसिटी से बजाऊँगा, ये पतली वाली एक बार दिखा देता हूँ मैं वापस, साउंड डेफिनेटली एक्वास्टिकली इम्प्रूव हो रहा है रिजिडिटी के वजह से, लेकिन ये जो है ना मुझे थोड़ा थोड़ा डिफरेंट लग रहा है। अब ये यूज़ के ऊपर डिपेंड करता है, ऐसा नहीं है कि मोटे प्लेक्ट्रम से लोग एक्वास्टिक गिटार नहीं बजाते हैं। मैं ये भी बताना चाहूँगा, आप इलेक्ट्रिक गिटार अगर यूज़ करते हो और यही प्लेक्ट्रम्स यूज़ करते हो तो उसमें भी कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस हैं, ओके। तो मैं मोटी प्लेक्ट्रम यूज़ करता हूँ पर्सनली, लीड्स वगैरह क्लियरली क्रिस्प में आए और जो मोशन है वो सही से आए, इसलिए उसे मैं यूज़ करता हूँ लीड्स प्लेइंग के लिए। और स्ट्रमिंग के लिए भी डिपेंड करता है आप किस स्टाइल की गिटार बजाते हो, अगर ब्लूज़ बजाते हो तो उसमें भी आप प्लेक्ट्रम पतली रख सकते हो, मोटी रख सकते हो, ये कम्प्लीटली आपके इंडिविजुअल टेस्ट एंड प्रेफरेंस के हिसाब से है, लेकिन मुझे जितना आपको बताना था मैंने इसमें बता दिया। होपफुली दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल, और अगर आपको इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चंस पूछना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाइए और वीडियो को देखिए और उसमें बोलिए कि कहाँ आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कमेंट्स में डालिए, मैं कोशिश करूँगा कमेंट्स को देखने का और उसे वहीं पर सॉल्व करने की, ओके। थैंक यू for watching this video. I hope you have learned something new. Please keep practicing and learning. Rock on.